पंजाब नूं पिछले दिनां दे विच बिजली संकट चलना पिया है। घरेलू बिजली जे ना आउण करके जिथे वड्डे कट घरां दे विच लगे ने, किसानां नूं वी इस दे नाल नुकसान झलना पिया है। ते हुण असीं गल कर रहे हैं इंडस्ट्री दी, अमृतसर फोकल पॉइंट ते जिथे 500 दे करीब यूनिट चलदे ने, वड्डियां फैक्टरियां चलदियां ने, इत्थे बिजली दे की हालात ने, की इत्थे बिजली संकट दा सामना करना पिया उद्योगपतियां नूं के नहीं। साडे नाल संदीप खोसला जी मौजूद ने, जिहड़े कि प्रधान ने अमृतसर फोकल पॉइंट इंडस्ट्रीज एसोसीएशन दे। तां खोसला साहब, सब तो पहलां पिछले दिनां दे विच जिवें कि तुहानूं पता घरेलू बिजली दे भी काफ़ी कट लगे ने, व्यापारक तौर ते जिहड़ी फैक्ट्रियां नूं इंडस्ट्री नूं बिजली मिलदी है, इस दे की हालात ने, किन्ने क कट तुहानूं सामना करना पिया? जय श्री राम। मैं संदीप खोसला, प्रेजिडेंट फोकल पॉइंट इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसीएशन। गगन जी, पहले तो तुहाडा वेलकम करने हैं कि तुसी इंडस्ट्री की जी अजकल की जी बिजली का संकट चल रहा है, उदे ते आए तुसी एक वाइट लाइन आए हो। देखो, साडा इंडस्ट्री का तो कैटागरी 2 फीडर है, ठीक है। फिलहाल तो हजे तक कोई एज सच कट नहीं आया, जो तो पिछले साल वाग जो कट लगातार ब्लैकआउट 6-7 दिन सीगा, लेकिन फाल्ट पैन के जोड़े कट है वो तो सुभाविक है कि मौसम खराब होने करके कोई हो। हाँ, रिहायशी इलाकों के कट काफ़ी चल रहे हैं और एक पैनिक जी सिचुएशन है कि जी रोज़ खबर आती है अखबारों के कि कोला मुक रहा है या कोई यूनिट ट्रिप कर गया, वो एक साइकोलॉजिकली इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पा रही है। अज भी जिदा तुम्हें देखा कि अब सवेरे अखबारों आया कि भी इंडस्ट्री को 8 बजे से 8 बजे तक लाइट नहीं मिलेगी, और सानू भी डिपार्टमेंट तो मैसेज आया कि भी अज सिचुएशन अज के दिन वास्ते थोड़ी जी बिजली की क्रिटिकल लगी है, तो सानू कोऑपरेट करो, तो एक दिन की प्रॉब्लम हैगी है, तो लाइट साढ़े को थोड़ी जी कट है, तो तुम अपनी इंडस्ट्री रिक्वेस्ट करो कि भी थोड़ा इंडस्ट्री कट चला या हो सकता तो ना चला। देखो, अज यहोजे समय तो आप करोना तो भी निकले हैं, या जिस सिचुएशन है नवी सरकार तो आस भी है, और नवी सरकार नूं चलो टाइम भी देना चाहिए काम करने वास्ते, लेकिन एक बिजली मेन रॉ मटीरियल मेन इनग्रीडियंट है एक इंडस्ट्री वास्ते, बिना बिजली तो इंडस्ट्री चलेगी कितना, और जिन्ने भी खर्चे अजकल इंडस्ट्री के, जिन्ना कंपीटिशन है और जिनी महंगाई हो गई है, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, और अगर एक दिन काम बंद करिए, जो अभी काम बंद करा सू लेबर तनखा तो देनी पेगी, असी एक दी वारी ते कोऑपरेट कर सकते हैं डिपार्टमेंट नूं। असी रिक्वेस्ट की अपने मैंबर्स नूं कि कोई मेरा वीर अगर अज 25% घट चला सकता इंडस्ट्री या 30% घट चला सकता, एक दिन वास्ते असी बिजली बोर्ड नूं कोऑपरेट करे। एक दो दिन की गल तो मनन ते आंदी है, चलो यार असी भी कोऑपरेट करने हैं कि डिपार्टमेंट भी सानूं कोऑपरेट करता, लेकिन पैनिक बड़ा, एक पैनिक सिचुएशन साडे हो गई है कि वो ना हो कि ब्लैकआउट हो जाए, वो ना हो कि लाइट जिहड़ी है मिले ही ना, तो असी तुहाडे माध्यम तो पंजाब सरकार नूं रिक्वेस्ट करांगे कि भी नैशनल ग्रिड तो बत्ती खरीद के और या कोले का जी शॉर्टेज है इनू इमीजिएटली मैनेज किया जाए, ताकि जो पिछले साल असी भुगतिया कि 10 दिन लगातार लाइट बंद होनी, जिहड़ा कि बड़ी वड्डी त्रासदी सी इंडस्ट्री से, वह जी त्रासदी ना आए, नहीं तो इंडस्ट्री फिर बहुत पिछे चली जाएगी। खोसला जी, तुसीं गल कीती कि जिहड़े पिछले दिनां च भावें कट लगे, तुसीं बहुता भावें जिक्र नहीं कीता, इह कट कोई फाल्ट पैण करके सी, 2-3 दिन बहुत समस्या रही, हालांकि घरेलू दी अजे भी समस्या आ रही है, किन्ना क नुकसान जी इन्हां 2-3 दिनां दे विच पिछले दिन ही कट किन्ने जिहड़े तुहानूं झलणे पए? सब तो पहला कट किन्ने किन्ने सी, भावें फाल्ट बाई फाल्ट सी, और मौजूदा जिहड़े ने की उह फाल्ट ठीक हो गए ने, सप्लाई कंटिन्यू मिलनी शुरू हो गई सी? देखो, गल पता की है, असी यह भी नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंट चंगा काम नहीं कर रहा। देखो, मैं एक चीज़ देखी है पिछले दिनों तो, मैं 10-15 सालों तो मैं इंडस्ट्रियल एसोसीएशन च हैगा, पार्टी पार्टी का कोई मतलब नहीं, असी कोई नॉन पोलीटिकल बंदे हैगे हैं, और असी इंडस्ट्री की गल करनी हमेशा, लेकिन अगर कोई अफसर या कोई डिपार्टमेंट भी अच्छा काम करता है इन्नी क्रिटिकल सिचुएशन च, तो सानू एप्रीशिएट करना चाहिए, ठीक है। लाइट जाती है जो तो फाल्ट बंदा, लाइट जाती है, टाइम लगता है, असी भी प्रस्यू करने हैं, फोन करने हैं, इंडस्ट्री भी सानू फोन करती है, लेकिन एक होंदा कट कि भी तुसी 2 घंटे लाइट नहीं चलानी, 4 घंटे लाइट नहीं चलानी, वो हजे तक साढ़े इंप्लीमेंट नहीं होया, या तुसी एक नागा करना या 2 नागा करना, जिहड़ा कि हर वारी हुंदा, हजे तक वो सिचुएशन नहीं आई। हाँ, फाल्ट पै गया, 2 घंटे बाद लाइट ठीक हो गई, 3 घंटे बाद ठीक हो गई, बहुत मेजर फाल्ट पै गया, वो गल हो मनी जा सकती है। हाँ, जिते असी रहने हैं, जिते साड़ी रिहायश है, उत्थे लाइट की पोजिशन क्रिटिकल है, सारी इंडस्ट्री के, चाहे कोई सिविल इलाके रहा, कितने भी रहा, रिहायशी इलाके में लाइट घट मिल रही है, लेकिन इंडस्ट्री को हजे तक तो पूरी मिल रही है, लेकिन जी अज की खबर थी उन्हें थोड़ा इन्हें पैनिक जरूर सानू क्रिएट किया, और काफ़ी इंडस्ट्रिया ने थोड़ा कोऑपरेट करने के चक्कर बंद भी की है, लेकिन रूटीन के नाल बंद नहीं हो सकती इंडस्ट्री। साहब, जी अज तुहानू संपर्क किया गया डिपार्टमेंट से, ये रिटन सीगा कि वर्बली तुहाडे नाल एक भाईचारक तौर पर कह दिता गया कि अज जी बिजली जो हो सके तो घट इस्तेमाल करे,
हैवी इंडस्ट्री नूं कहा गया जां जिहड़ी सीगी स्माल इंडस्ट्री नूं कहा गया कि अपनी जिहड़ी लाइट घट इस्तेमाल। देखो गल पता कि अज ये कोई ऑफिशियली मैसेज तो नहीं सीगा, लेकिन ऑफिसर क्योंकि ऑफिसर सानू भी कोऑपरेट करते हैं तो लोड पैन दे डिपार्टमेंट नूं कोऑपरेट करना भी साडा फर्ज है। तो उहदे विच देखो उन्होंने सानू यह भी शोरस दी कि असीं लाइट नहीं बंद करांगे, जे किसी नूं एमरजेंसी है, किसी का ऑर्डर रुकिया है, जे किसी नूं जरूरी काम है वह चलावे, क्योंकि असीं किसी नूं ऐ नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो जाए। हाँ जिहड़ा बंदा कर सकता कि मेरे को अज काम नहीं, मैं अज नहीं चलावगा, कल मशीन चला लाँगा, एक मशीन मैं फालतू चलानी नहीं चलावगा, उन्हें की कोऑपरेट करो, डिपार्टमेंट ने उन्हें ही साढ़े को मंगया। क्या कि बिल्कुल नवी सरकार है, व्यापारी तो नॉन पोलिटिकल होंगे ने, जिहड़ी भी सरकार आवे सरकार दे नाल खड़दे ने। एक सरकार ने मैं एज ए शहरी नागरिक व्यापारी होने के नाते नहीं सवाल कर रहा कि 300 यूनिट बिजली माफ करने की गल की 600 यूनिट दे। किसानों ने कल जो धरने लगाए या पंजाब के लोग हुण कह रहे हैं कि सानू बिजली ही दे दी जाए, 600 यूनिट जिहड़ी है वह बाद च देखी जाएगी, तां अजिहे दे विच तुहानू लगता कि जिस एक पासे बिजली की सानू पता है कि संकट आ सकता और दूसरे पासे 600 यूनिट वाला मसला भी है वह भी सिर ते खड़ा, तो सरकार नू इस मुद्दे ते बड़े फूक फूक के पैर रखने चाहिए। हालांकि लोगों नू राहत चाहिए है, इसके खिलाफ कोई नहीं है, पर लाइट तो पूरी मिले। नहीं देखो जे सरकार ने कोई गल कही कि गरीबों वास्ते कोई फैसिलिटी दिती है तो चलो काबले तारीफ है, लेकिन सरकार कोल रिसोर्सिज भी होने चाहिए उन्हें पूरा करने वास्ते। अगर मैं किसी नूं कमिटमेंट करना वा तो मैं हवा च नहीं कर सकता, 300 यूनिट मिले जरूर मिले, लेकिन उसकी फिर मैनीपुलेशन भी ना हो, लोग चार चार मीटर ना लवा लन जिहड़ा अजकल अखबारों च आ रहा, ना मैनीपुलेशन होनी चाहिए, जिहड़ा बंदा डिजर्व करता उन्हें मिले। और जे सरकार को पैसा हैगा तो दे, क्योंकि अगर 6,000 करोड़ की 7,000 करोड़ की सबसिडी किसानों ने देती से पंजाब आज भी कर्जे हैगा, तो चलो वह भी जरूरी सी, या तो सरकार रिसोर्सिज भी पैदा करे सामने। अगर अगर 300-600 यूनिट तुम दोगे बिजली तो सरकार बिजली बोर्ड को पैसे देने पैणगे, तो पैसे का इंतजाम भी सरकार करना चाहिए। बाकी ये असी नहीं समझते जो सरकार ने बेनीफिट दिता गरीबों को तो अच्छी गल लगी है, लेकिन मिलना चाहिए और वो वास्ते इंतजाम भी पूरे होने चाहिए। किन्ने यूनिट ने, मेरा एक सवाल है कि तुहानू कि इत्थे फोकल पॉइंट च किन्ने यूनिट ने और किन्ने लोगों नाल सीधे ते असिधे तौर दे उत्ते ये सारे यूनिट जुड़े हुए ने, किन्ने लोग प्रभावित हुंदे ने जे इत्थे कोई संकट बिजली करके पैदा हो। देखो 435 यूनिट है साडे फोकल पॉइंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया, 300 एकड़ साडा फैलिया, 20,000 तो उपर इत्थे लेबर काम करती है, और 435 अगर इंडस्ट्री हैगी है तो किन्ने परिवार जुड़े होणगे, तुसीं गगन जी आप ही अंदाजा लगांदे हो, और सिचुएशन तो खराब होएगी। और करोना तो फिर एक हद तक एक महामारी सी, लोगों को पुराना रिजर्व पिया हों, कभी यहोजी आई नहीं, तो लोगों ने किसी तरीके टाइम कढ़ लिया, तो लेकिन हूँ वो टाइम करके भी लोगों ऑलरेडी बहुत नुकसान च है, तो अग हूँ नुकसान तो बाहर निकलन का टाइम आया, तो जे यहोजी माड़ी घड़ी मैं तो नहीं समझता कि आएगी। सरकार सूझवान है, सरकार नूं कम करना चाहिए और ना ही आवे तो अच्छी गल है। मंडी नूं कट जिहड़ा तुहानूं इक लाउंदे इंडस्ट्री नूं कट, ये किन्ने चिर दा लगाउंदे ने और की इस दे नाल बकायदा तुहाडे नाल सहमति दे नाल ही लाया जांदा तालमेल करके कि जे कोई रिपेयर भी है तो उस समय दे दौरान हो जांदी है, जां बिजली संकट करके रूटीन च ही लगदा है? क्योंकि जी देखो गल पता की है, तालमेल तो हमेशा ही डिपार्टमेंट का और एसोसीएशन का हमेशा ही हुंदा है, और सोमवार का कट क्योंकि एक कट तो लीगली सोमवार का हैगा, वैसे कोई कट नहीं हैगा, एक साडा एक नागा हैगा कि एक दिन छुट्टी करनी होती है, तो क्योंकि उन्होंने एक मैनेज किया कि अमृतसर दे सोमवार छुट्टी होनी चाहिए है, लेकिन जो भी कट लगाना होता डिपार्टमेंट ने सानू पहले इन्फॉर्मेशन एक अद्धा दिन पहले आ जाती है कि असी बंद करांगे या असी नहीं बंद करांगे। सेम मैसेज असी अपने मैंबर्स नू फ्लैश कर दीदा भी कल सोमवार लाइट आएगी, अगर तुसीं चलाना चाहो तो चला सकते हो, एज सच कोई लीगलाइज नोटिफाइड छुट्टी नहीं हैगी कि भाई सोमवार तुम्हें नहीं चलाना। सो असी 8 दिन चला सकते हैं, 365 दिन चला सकते हैं। हाँ सोमवार सर एक ऐसा दिन है कि जे कोई बिजली बोर्ड ने रिपेयर करनी है तो एको दिन निर्धारित होया सोमवार, ताकि रोज़ रोज़ लाइट ना बंद हो, सानू भी पता हो कि 6 दिन लाइट मिलनी है तो एक दिन जा भी सकती है नहीं भी जा सकती। जो भेजनी होती है सानू पहले कह देंगे जी कल परमिट लैना तो काम करना इन्ने घंटे का करना, वह भी सानू पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेरा आखिरी सवाल है, सीएम साहब नाल कोई मीटिंग हुई जां इंडस्ट्री वालों कोई तुसी सरकार दे जां बिजली मंत्री नूं तुसी मिले हो कोई, जां अपने वालों कोई तुसी डिमांड भेजी, मंग पत्र भेजा सरकार नूं, कोई मेमोरेंडम भेजा कि जिहड़ी तुहाडी इंडस्ट्री है वह पिछले 2 सालां च जिहड़ी पछां चली गई है वह जिहड़ी मुड़ पैरां सिर हो जाए ड्यू टू कोविड जां पिछले साल जिहड़े कट लगे सी?
देखो असी रिक्वेस्ट की है ईटीओ रवजन रवजन साहब ने भी जो सा इलैक्ट्रिक मंत्री है बिजली के मंत्री है उन्होंने को टाइम मंगया तो जल्दी टाइम मिलेगा। साड़ी तो मेन डिमांड यह हुई है कि 5 रुपए बत्ती इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए है। चलो पहले 600 यूनिट का तुम किया वह भी तुहाडे कमिटमेंट से 5 रुपए बत्ती भी जिहड़ी जिहड़े आ मुद्दों से असी इलैक्शन लड़ने मुद्दों की भी पूरे होने चाहिए है। तो बहुत जल्द चलो सरकार नवी सी 2-4-5 महीने सरकार ने भी सैटल होने वास्ते चाहिए तो चलो हुण असी भी मंग कीती है सीएम साहब नूं भी टाइम मंगया और मंत्री साहब को भी मंगया तो जल्द ही टाइम मिलेगा तो असी 5 रुपए बत्ती का मसला उठावांगे उन्हां अगे। संदीप खोसला जी प्रेजिडेंट ने फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एसोसीएशन दे तां बड़ा साफ उन्होंने आख्या है कि हले कट जिहड़े सी उस लैवल दे नहीं लगे कट जरूर लगे ने पर उस लैवल दा नुकसान नहीं होया पर हले भी अधिकारियों ने पंजाब बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने एसोसीएशन नाल संपर्क करके कहा है कि बिजली की घाट जरूर है तो जरूरत पैण दे उत्ते इंडस्ट्री चलाई जाए पर नाल ही सरकार ने यह भी आख्या है कि पिछले समय के विच कोविड के कारण जो इंडस्ट्री का नुकसान होया सी जो पिछले समय के विच वो इंडस्ट्री इस साल पैरां ते आ सकती सी बशर्ते सरकार बिजली का बंदोबस्त करके रखे क्योंकि जेकर जिवें दी पैनिक सिचुएशन पिछले दिनों के विच बनी है जेकर इंडस्ट्री नूं जो बिजली ना पूरी मिली तो मेजर नुकसान होएगा तो सीधे सीधे ढंग के नाल हजारां लखां लोग इत्थे फोकल पॉइंट के नाल इंडस्ट्री के नाल जुड़े हुए हैं तो उन्हां दी निजी जिंदगी जिहड़ी है प्रभावित जिथे एक पासे होएगी नाल ही सरकार का रेवन्यू भी वड्डे पद्धर ते प्रभावित होएगा। कैमरा परसन मनोज के नाल गगनदीप शर्मा ABP सांझा अमृतसर। पंजाब दे विच पिछले दिनां दे बिजली कटा ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिता है। घरेलू बिजली सप्लाई जिथे प्रभावित हुई उस किसान की भी जो खेतीबाड़ी लिए बिजली चाहिए सी इसनों भी इस दे विच भी जो कट लगे किसान इस दे नाल प्रभावित हुए। हुण इंडस्ट्री की इस वेले की हालत है इंडस्ट्री दे विच की कट लग रहे ने और कितना कारोबार प्रभावित हो रहा है जां नहीं हो रहा साडे नाल अमृतसर दे नामवर पुलर ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड दे MD सरदार अजीत सिंह भुल्लर साडे नाल ने कोविड दे विच काफी चर्चा दे विच रहे सी जदों ऑक्सीजन की सप्लाई इन्हां ने वड्डे पद्धर ते अमृतसर शहर च कीती सी तां भुल्लर साहब नाल गलबात करते भुल्लर साहब ऑक्सीजन दा प्लांट तुसीं चला रहे हो एक महत्वपूर्ण तुहाडे कोल कम है बिजली दा जो पिछले दिन संकट सामने आया किन्नी बिजली दी जिहड़ी तुहाडे इंडस्ट्री दे विच कोई शॉर्टेज आई कट लग रहे ने की उस सिचुएशन है। देखो साडा तां जिहड़ी इंडस्ट्री है ओनली बिजली ते डिपेंड करदी है जिहड़ी ऑक्सीजन गैस है ओह तां बिजली नाल ही बनदी है बाकी पहले तो रेगुलर बत्ती आ रही थी पिछले 2-3 दिन तो थोड़े कट लगे बिच लेकिन 2-3 दिन बाद संभल गया हुण बत्ती पूरी आ रही है इस वेले इंडस्ट्री नूं। हाँ जी हुण इह जिहड़ी दुबारा फिर स्मूथली हो रही है जी कि फिर भी अजे थोड़े बहुत लग रहे कट नहीं हाले तो देखो दुबारा कट नहीं लगा हुण मंडे कट लगता वा तो उदों वैसे बत्ती नहीं आ रही। हाँ किसी कोई ट्रिपिंग किसी हो जाती है जदों ज़्यादा लोड पैंदा उदों बत्ती ट्रिप कर जाती किस वेले लेकिन वह भी हुण 2-3 दिन तो थोड़ा सुधार ठीक है बिल्कुल। सर जिहड़े बिजली दे यूनिट ने इत्थे जिहड़े बिजली चलण वाले यूनिट ने तुहाडा इत्थे किन्ने यूनिट ने पूरे फोकल पॉइंट दे उत्ते जिहड़े बिजली ते निर्भर ने जी। देखो जी उह तां सारी इंडस्ट्री बिजली ते निर्भर हैगी है कोई भी इंडस्ट्री उह बिजली पर चल नहीं सकदी हर काम बिजली नाल होणा वा ते सारी इंडस्ट्री बिजली ते निर्भर हैगी जी। होर साहब पिछले दिनां दे जो बिजली दे कट लगे घरेलू बिजली सप्लाई भी तुसीं देखी होएगी कट लग रहे ने किसान भी कल सड़कां ते आए सीगे ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ। देखो अगर एक घंटा भी लाइट बंद होंगी तो समझ लो 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं जिहड़ा बंदा एक काम कर रहा मशीनरी प्रोटेक्शन दे रही है वह दबार तो जिदा साडा ही ऑक्सीजन का प्लांट है अगर अद्धा घंटा भी लाइट बंद होंगी साडा प्लांट खाली 2 घंटे चलता दोबारा फिर प्रोटेक्शन आता 2 घंटे लाइट भी साडी गई सानू खर्चा भी पै गया तो 2 घंटे प्रोटेक्शन लॉस हो गई घाटा जो बत्ती का पूरा नहीं किया जा सकता कट लगता तो सर एक घंटे फिर 4 घंटे कवर करना पैंदा। हाँ 1 घंटे 4 घंटे कवर करना पैंदा 4 घंटे लाइट के पैसे भी लग जाते लेबर का खर्चा भी पै जाता वा तो प्रोटेक्शन लॉस हो जाती है जो बहुत मोटा लॉस है वा।
सर जो प्रोडक्शन की लॉस है अमाउंट के भावे नहीं जिक्र करते बट इस दे लिए जो जनरेटर के नाल जो यूनिट नूं कंटिन्यू करना जो भरपाई करनी हो जनरेटर चला के संभव है भुल्लर साहब नहीं जनरेटर का संभव नहीं है जनरेटर 100 रुपए लीटर डीजल मिलता पाया जी वो कभी भी इंडस्ट्री को कोट ही नहीं कर सकता वारा ही नहीं खा सकता वो कई गुना वध कॉस्ट वध जांदी साडी सर वैसे इंडस्ट्री नूं तुहानूं किन्ने रुपए यूनिट वैसे बिजली मिल रही है जी सानूं कोई 7.5 रुपए यूनिट बत्ती मिलती पई इस वेले सर कुछ इंडस्ट्रियलिस्टां बाकी ना पिछले साल भी कट लगे सीगे अणकियासे कट पिछले साल भी कट चलने पए सीगे बकायदा जोन वाइज वंड दिता गया सीगा तां इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़े ने जे कट लगन दी सिचुएशन बनदी है जिवें कि हुण स्थिति गर्मी दे विच जिवें गर्मी वधदी है कट लगदे ने इंडस्ट्रियलिस्ट दी की डिमांड रहिंदी है कि जे कट सरकार नूं लाउणे पैण अगले दिनां दे विच गर्मी वधणी है फिर झोने की सप्लाई भी होनी झोने की लवाई भी होनी है जी तुसी कट दी की सरकार ने डिमांड करते जी इंडस्ट्री सारे वाली सरकार नूं कहिंदे देखो जी कुछ इंडस्ट्रियां हैगियां जिहड़ियां दिन दिन चलदियां मतलब कि ते कुछ इंडस्ट्रियां ने 24 आवर चलदियां जदों साडी इंडस्ट्री 24 आवर चलदी है सानूं ते कट सवेरे शाम किसे वेले वी साडे नुकसान दे हीगा वा उह ते इह सरकार नूं कोई पॉलिसी बनाउणी चाहीदी जिहड़ी इंडस्ट्री बिल्कुल कट ना लगे इंडस्ट्री विच देखो जो कट तो लगते ही पर प्रशासन ने उदो जो सारा कंट्रोल कर लिया जिन्हें भी गैस यूनिट से उन्होंने लाइट बिल्कुल नहीं बंद होती उन्होंने बाकी भावें बार उन्हें कट लाए जो किया सानू नहीं पता किया लेकिन सानू ऑक्सीजन यूनिट में पूरी लाइट मिली उदो जी नहीं अमृतसर एक यूनिट ऑक्सीजन है जो खुद मैनुफैक्चरिंग करता बाकी सब ट्रेडिंग करते जी इतने इस दे विच जिहड़ी तुसीं बिजली दी गल कीती हुण तां सुधर गई है बिजली दी तां जिहड़े पिछले 2-3 दिन दे विच तुसीं नुकसान भी नैचुरली जिहड़ा 1 घंटा लाइट गई है तां कट तां पिछले दिनां च काफी लगे ने तां इस बारे कोई पहलां जानकारी मिली सी जां बिना दसे कट लगे सी नहीं ये जानकारी कदी नहीं मिलदी इसे कट लगन लग्या जी सवाए मंडे दे नागे तों होर कोई जानकारी नहीं दिंदी पता नहीं किहड़े जल्दी जल्दी लाइट बंद हो जाती है किहड़े जल्दी जल्दी आ जाती लाइट इस बारे एडवांस इंफॉर्मेशन कोई नहीं नहीं इस बारे कोई एडवांस इंफॉर्मेशन कोई नहीं दी जाती सरकार मंडे नूं सर कट जिहड़ा है इंडस्ट्री नूं किन्ने चिर दा लगदा तुहाडे कट देखो ये फिक्स कट नहीं हुंदा कोई 1 घंटा लग जाता 2 घंटे लग जाते 3 घंटे लग जाते हैं सब तो वड्डी प्रॉब्लम साडे इत्थे हुंदी जदों कोई बरसात जां कोई नेहरी आउंदी उदों लाइट बंद हो जाती है जिहदा ठीक हुंदा कोई टाइम नहीं हुंदा कदी कोई फॉल्ट वड्डा पै जांदा कदी कोई फॉल्ट छोटा पै जांदा वा उह सब तो वड्डी समस्या हैगी आ ਇਹ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ बहुत तो नहीं की जी सारे मंत्री जिन्हें भी साढ़े अज तक इतने मंत्री आए या गए सब नु बाई रिटन नहीं लिख के दिता है कि साढ़े को जी सरकार वालों जगह दी हुई है चंडीगढ़ PSC ने जगह दी सानू सिर्फ साड़ी सरकार ने जिहड़ा वा पंजाब सरकार ने सानू बना के देना जी उहदे सब स्टेशन साहब तुसीं नैचुरली घर की भी लाइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अमृतसर शहर दे विच भी बड़े लंबे कट लगे पिछले 4-5 दिनों तो घरेलू बिजली जिहड़ी है उह तुसीं की समझदे किस लैवल तक प्रभावित होई होवेगी देखो प्रभावित होंगी अजकल बच्चे भी पढ़ते हैं सारा कोई है जो बंदा जो रात चौ चंगी तरह सौ नहीं सकता सवेरे बिजनेस किदा करूँ काम किदा करूँ उठ के फैक्ट्री किदा आएगा तो वो लेबर से डिपेंड है जो लेबर रात चंगी माँ सौ नहीं सकती गर्मी का मौसम है तो सवेरे काम किस तरह करेगी आने के यदि प्रभावित घर हो या फैक्ट्री हो प्रभावित हर चीज होंगी होंगी जिम्मे लाइट का कट जिम्मे दस लग रहे तो इस वे फिर लेबर फ्री भा रहे हो तो लेबर फिर एक्सट्रा काम कर दी जो एक्सट्रा पैसे फिर देने नहीं कोई लेबर फ्री नहीं हुंदी जी लेबर दे चार्ज पई जाना बत्ती आवे चाहे ना आवे उन्हें अपने पैसे लई जाने जी उस दे लई भी क्योंकि जे 2 घंटे एक्स्ट्रा फिर जे काम करने के तो फिर एक्स्ट्रा पैसे तुहानूं उहदे देने पैणगे वो जे साडी प्रोडक्शन घट है ओवर टाइम लवां तो एक्स्ट्रा पैसे देने पैंदे जी उहदे खर्चा पैंदा ही पैंदा फर्म नूं जी
सर सरकार ने एक शहरी वजो और व्यापारी वजो थोड़े को सवाल पूछे। सरकार ने कहा कि असी बिजली मुफ्त देवांगे 600 यूनिट तक बिजली, हालांकि उसकी टर्म अजे भी अजे खुद सरकारी क्लीयर नहीं हैगी की व्यापार जिवें कल किसानां ने इत्थों तक कहता कि सानू बिजली ही सरकार दे दे, साडा झोना सड़ गया, साडा वित्ती शहर दे विच असी बरसीन ना मिलने करके माल डंगर दा नुकसान हो रहा, असी शहर से दुध नहीं सप्लाई करते। व्यापारी की कहिंदे ने कि बिजली पूरी मिले, ये व्यापारी इस बारे की कहना चाहते हैं? व्यापारी तो कहेगा जी बत्ती मिले क्यों, व्यापार सारा लाइट चलता वा, बाकी हले गांह झोने असी आना वा, तो सरकार ने इमीजिएट कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए वा, जितों कोला जो मर्जी करना, जितना मर्जी अरेजमेंट करे, तो ना जिमीदार नूं प्रॉब्लम आवे ना व्यापार नूं प्रॉब्लम आवे कोई। सर जी 600 यूनिट वाली है इस बारे की कहना चाहते कि 300 यूनिट जो प्रति परिवार मिलती है, यह संभव लगती जे हालातों के सर? ये सुने जी हले मिली किसी नूं नहीं, ये सरकार की हले पॉलिसी नहीं डिकलेयर हो रही भी कितना उन्हें पॉलिसी बनानी की करना ये बारे। झोने के सीजन तो पहला इंडस्ट्री हमेशा कहते रहते इंडस्ट्रीज सरकार कोले की सप्लाई बारे सर की कहना चाहते कि कोला की सरकार एडवांस रखना चाहिए, क्योंकि यूनिट जिहड़े ने जिवें रिपोर्ट आई थी कि किसी दे विच 4 दिन का कोला पिया, किसी दिन 7 का पिया, एक यूनिट है जिसके 12-13 दिन का वध पिया, तो तुसीं इस बारे की कहना चाहते हो? देखो ये सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी बनती जी, अपना कोले सरकार ने करना, हर बंदा जिहड़ा जिहदे घर मीटर लगा वह अपना बिल दे टाइम नाल तारदा पिया, तो इसलिए जिहड़ा कोले इंतजाम करना सरकार ने करना होंदा, सरकार की पूरी रिस्पोंसिबिलिटी है भी जितों मर्जी कोला पैदा करे उन्होंने करना चाहिए जी। इंडस्ट्री तो सर हर वेले सरकार दे नाल, जिवें पिछले साल भी बिपता आई सी तो तुसीं सरकार दे नाल खड़े रहे, तो कि तुसीं ये भी डिमांड करते कि सरकार नूं भी तुहाडे नाल खड़ना चाहिए और तुहाडी जिहड़ी घट्टो घट्ट इस लैवल ते समस्या जिहड़ी ना आवे, क्योंकि मैडिकल नाल जुड़िया प्रोफेशन तुहाडा, तुहानूं बिजली पूरी मिलनी चाहिए? देखो अं हर टाइम ना अपना बिजली का बिल तारदे आ, टाइम ना टैक्स भरते हैं, तो अं सरकार का साथ ही दिंदे आ, तो सरकार का भी फर्ज बनता कि इंडस्ट्री का भी साथ दे, हर चीज़ टाइम नाल सहूलत कराई जाए, हर चीज़ दी जाए टाइम नाल। अजीत सिंह भुल्लर अमृतसर दे ऑक्सीजन दी मैनुफैक्चरिंग इत्थों करदे ने, नामवर व्यापारी ने, दस देना चाहुंदे कि इन्हां दा ये कहना है कि बिजली दे कट जिहड़े पिछले दिनां च लगे सी दोहरा नुकसान झलना पैंदा है, क्योंकि यूनिट जदों 1 घंटा बंद रहिंदा जां 1/2 घंटा बंद रहिंदा है तां दोबारा उहनूं नवें सिरों चलाउण दे लई 2 घंटे एक्सट्रा चलाउणा पैंदा है, तां लेबर दा खर्चा भी डबल पै रहा है, और नाल ही उहनां ने आखिया कि अगले दिनां दे विच झोने की जो सीजन शुरू होना है तो सरकार नूं इसदे एडवांस प्रबंध कर लेने चाहिए ने, कभी भी कट लगन की जिहड़ी जानकारी एडवांस तौर पर नहीं मिली सरकार नूं, जेकर कट लगने ने तो सरकार नूं एडवांस जानकारी देनी चाहिए और कोशिश सरकार नूं यह करनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी हर वेले सरकार दे नाल खड़दे ने, समय से बिल तारदे ने, होर भी जो सरकार नूं लोड़ पैंदी है जिवें ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत सी तां दिन रात यूनिट चला के अमृतसर दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी की, तां सरकार नूं भी इन्हां दी घट्टो घट बिजली दे लैवल तो इन्हां दी बांह फड़नी चाहीदी है। कैमरा परसन मनोज दे नाल गगनदीप शर्मा, एबीपी सांझा, अमृतसर।